बम के पास बहुत ज्यादा पसीना है, कई कई लड़कों के बम पे जो बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा बट का एरिया है वो थोड़ा सा शेप में आने लग जाएगा। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बम हेयर, बम पिंपल्स, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है मगर इसके बारे में बात बहुत कम लोग करते हैं। बम या बट या आपकी बॉडी का ही पार्ट है, जैसे कि आपकी आंखें हैं, जैसे कि आपका चेस्ट है, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, हम उन सबकी ग्रूमिंग की तो बात करते हैं मगर बम की केयर करने के बारे में हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। हम उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं या फिर बहुत सारे लोग शर्माते हैं, अशेम्ड फील करते हैं, बट आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, कंसीडर सब्सक्राइबिंग and let's get started. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमें बम पे पिंपल आता क्यों है, क्या इसके रीजन है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम उनको कैसे क्योर कर सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन है, जब कभी हम लोग धूप में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं या फिर काफी टाइम तक एक जगह पे बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से बम के पास बहुत ज्यादा पसीना इकट्ठा हो जाता है और जब पसीना होता है तो वहां पे डर्ट, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से हमें पिंपल हो जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जब कभी भी आप धूप से वापस आए या फिर वर्कआउट से वापस आए तो आपको सबसे पहले नहाना है। अगर आप नहा नहीं रहे तो आप प्लीज अपना अंडरवेयर चेंज करिए, क्योंकि अंडरवेयर में ही पसीना इकट्ठा हो जाता है और अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो वहां पे पिंपल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा बैठने का काम है या फिर स्वेट बहुत ज्यादा आता है तो आप थोड़े से ढीले फैब्रिक के कपड़े पहनिए और हर एक घंटे बाद एक छोटी सी वॉक के लिए जाइए, जिससे कि जो पसीना है वो थोड़ा सा सूख जाए और इन्फेक्शन या फिर पिंपल होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाए। तो जैसे हम अपनी फेस की केयर करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, तो वैसे ही हमें अपने बम की भी केयर करनी चाहिए। आपको कोई स्पेशल स्क्रबर लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी चारकोल बेस्ड या फिर जो आप फेस पे यूज करते हैं स्क्रबर, वही ले सकते हैं। थोड़ा सा लीजिए और अपने बम की अच्छे से मसाज करिए फॉर 30 to 45 seconds, दैट्स इट, एंड पानी से वॉश कर लीजिए। इससे जो ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं या फिर जहां पे थोड़ा सा बैक्टीरिया जमा हो जाता है आपके पोर्स में, उसको वो क्लीन आउट कर देता है। ये तो थे सारे प्रिवेंशन। अब बात करते हैं कि अगर आपको मान लीजिए हो गया है पिंपल, तो अब उसको कैसे ठीक करें। जब आपके पिंपल हो चुका है तो उसके ऊपर आपको स्क्रब नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पिंपल के ऊपर स्क्रब करेंगे तो वो और ज्यादा उसको खराब कर देगा, डैमेज कर देगा, विच वी नीड टू अवॉइड। तो हमें पिंपल के ऊपर स्क्रब बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस भी फेस वॉश से आप अपना फेस वॉश करते हैं वही थोड़ा सा ले लीजिए और अपने बम को अच्छे से वॉश कर लीजिए 15 to 20 seconds, क्योंकि बम का जो एरिया होता है उसको बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, उसके ऊपर लोग साबुन भी नहीं लगाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हमारी बॉडी का पार्ट ही नहीं है। सो दैट वी नीड टू अवॉइड, क्योंकि बम को भी प्रॉपर टेक केयर की जरूरत है। आप बम के ऊपर ही बैठते हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हल्का सा भी पिंपल निकला है तो आपको बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और बहुत पेनफुल होते हैं वो जो पिंपल होते हैं। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आपको साबुन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात करते हैं बम हेयर की। ह्यूमन बॉडी में हर जगह हेयर है, आपकी जो पाम है और जो आपके तलवे होते हैं और जो आपके लिप्स का एरिया होता है, बस इसको छोड़ करके बाकी शरीर के हर हिस्से में आपके बाल हैं, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट ग्रेसफुली। बट कई कई लड़कों के बम पे जो बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, विच वी नीड टू ग्रूम। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बम पे हेयर ठीक है, इट्स फाइन, देन इट्स योर पर्सनल चॉइस, मैं उसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता। मुझे पर्सनली अगर बहुत ज्यादा बड़े बाल होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं उसके लिए कभी कभार वैक्सिंग करता हूँ। वैक्सिंग बहुत ही ईजी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप वीट स्ट्रैप्स ले सकते हैं, क्योंकि वैक्सिंग के लिए बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। आप वही स्ट्रैप्स अपने बट पे लगा लीजिए एंड जस्ट पुल इट ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड बम के बाल आराम से निकल जाते हैं। बट ये थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, तो अगर आपको बिल्कुल भी पेन बर्दाश्त नहीं है तो आप ट्रिमर ले सकते हैं, ट्रिमर से बाल हटा लीजिए, दैट विल बी फाइन। एंड डोंट वरी, बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ नहीं होगी और बहुत मोटे बाल नहीं आएंगे, क्योंकि जो बम का एरिया होता है हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा बैठते हैं और जब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है तो वहां पे बाल की जो ग्रोथ होती है वो एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स बहुत ज्यादा कम होती है। तो अगर आप एक बार बाल हटा लेंगे तो एटलीस्ट 3 to 4 महीने तक आपके बाल बहुत कम निकलेंगे वहां पे, और जो निकलेंगे वो इतने ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, इतने ज्यादा रफ नहीं होंगे, आपको डिस्कम्फर्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो अब हमने बात कर ली है पिंपल्स और बट हेयर के बारे में। अब बहुत सारे लोगों का जो बम का एरिया होता है वो बहुत ज्यादा फ्लैट होता है, जो कि जीन्स के ऊपर से बहुत ज्यादा खराब दिखता है। मैं यहाँ पे कोई भी बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको थोड़ा सा उसको इंप्रूव करना है या फिर उसको एक थोड़ा सा शेप देना है, तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता सकता हूँ दैट यू कैन डू एंड मेक इट इन अ प्रॉपर शेप। सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव वर्कआउट है स्क्वाट्स। आप फ्री बॉडी वेट स्क्वाट्स मार लीजिए, 10-10 के आप 3 reps कर सकते हैं, 30 squats आप एवरी डे करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपके बट का एरिया है वो थोड़ा सा शेप में आने लग जाएगा, वो थोड़ा सा कर्वी हो जाएगा, एंड जीन्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट अगर आपको फ्लैट बम इज फाइन विद यू एंड आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, देन इट्स टोटली फाइन। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो रिलेटेड टू बम हेयर, बम पिंपल और बम का जो शेप है उसके बारे में। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करने से अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा टैबू समझते हैं, और अभी मुझे बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स भी
आएंगे लोगों के कि हाउ कैन यू टॉक सच थिंग्स, तुमको कुछ भी अकल नहीं है या फिर इस टॉपिक के बारे में खुल के कैसे बात कर सकते हैं। वेल, दिस इज वॉट वी आर डूइंग हेयर। जो चीजें हम खुल के अपने बड़ों से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते हैं, वही हम यहाँ पे करते हैं, जिससे कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज्यादा एवरीडे कॉमन है, वो हम आपस में डिस्कस कर सके और उनके सॉल्यूशंस निकाल सके। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक, डू सब्सक्राइब। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सो दैट जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है उनको भी इसके बारे में पता चले। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप मुझे इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं। हियर इज माय हैंडल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।